जैसे संजय लीला बंसाली की मूवी पद्मावत को बहुत सारी कसौटियों से गुजरना पड़ा सेंसर बोर्ड तक पहुंचने के लिए, फिर सेंसर बोर्ड ने जब उसे हरी झंडी दे दी, पास कर दिया, तो चार राज्यों ने उसे बैन कर दिया। कौन से राज्य हैं ये आप जानते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। लेकिन फिर 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, तो हम इस मूवी को बैन इस तरीके से नहीं कर सकते। तो पूरे भारत में 25 जनवरी 2018 को पद्मावत रिलीज की जाएगी। इस तरह पद्मावत तो रिलीज हो गई, लेकिन ऐसी भी कुछ मूवीज रही हैं जिन्हें कठिनाइयों से तो गुजरना पड़ा ही है और साथ ही साथ बैन से भी गुजरना पड़ा है। वो कौन सी मूवीज हैं ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये इस लिस्ट की और आजाद भारत की पहली फिल्म है जिसे बैन कर दिया गया। नाम था नील आकाशेर नीचे, जो 1958 में आई थी। इसे मृणाल सेन ने डायरेक्ट किया था। ये महादेवी वर्मा की कहानी चीनी भाई पर आधारित थी। ये ब्रिटिश राज की आखिरी दिनों की कहानी थी। 1930 के बाद कलकत्ता कैसा था इसमें दिखाया गया। पहले फिल्म रिलीज हो गई, लोगों को पसंद आ गई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तारीफ भी की। फिर जब भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने लगा तो सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी INB मिनिस्ट्री ने इस पर रोक लगा दी। दूसरी फिल्म है किस्सा कुर्सी का, जो 1977 में आई थी। इसे जोधपुर के अमृत नहाटा ने डायरेक्ट किया था। ये कहानी गंगू नाम के एक टुच्चे की है जो जनता को मूर्ख बनाकर राष्ट्रपति बन जाता है। ये सीधी आलोचना इंदिरा गांधी की सरकार की थी। ये भारत की बेस्ट पॉलिटिकल फिल्मों में से एक थी। अप्रैल 1975 को उन्होंने सेंसर बोर्ड में इसे भेजा। वहाँ से निर्माता को नोटिस भेजा गया कि 51 आपत्तियाँ भी हैं इसमें। फिर इमरजेंसी लग गई, फिल्म बैन कर दी गई। फिर 2005 में आई परजानिया। पिछले साल शाहरुख खान स्टारर फिल्म रईस डायरेक्ट करने वाले राहुल ढोलकिया की ये पहली फीचर फिल्म थी। इसमें नसीरुद्दीन शाह और सारिका ने लीड रोल किया था। परजानिया की रिलीज से पहले गुजरात में बजरंग दल जैसे संगठनों ने इसका विरोध किया था। उनकी हिंसा के डर से वहां के सिनेमा घरों ने इसे लगाने से मना कर दिया। ये फिल्म 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी। 1975 की फिल्म आंधी गुलजार के निर्देशन में जो बनी थी वो रिलीज हुई और 26 हफ्ते चलने के बाद इसे बैन कर दिया गया। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन ने इसमें लीड रोल किया था। सुचित्रा ने एक राजनेता आरती देवी का किरदार किया था, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित बताया गया था। यहाँ तक कि फिल्म के प्रचार के लिए पोस्टरों पर भी यही लिखा गया था कि प्रधानमंत्री को देखने थिएटर आइए। इसीलिए थिएटरों से इसे हटा दिया गया। तब इमरजेंसी भी लग गई थी। 1977 में आम चुनाव हुए और नई सरकार बनी, तब फिर से इस फिल्म को रिलीज किया गया। 2005 में आई फिल्म सोनिया। इस फिल्म की कहानी थी इटली की सोनिया गांधी की, जो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू बनती है। उसे राजनीति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी सास इंदिरा है, जो देश की प्रधानमंत्री है। पति राजीव है, जो भाई संजय की मौत के बाद ना चाहते हुए भी राजनीति में आता है। सोनिया इसके लिए उसे मना भी करती है। बाद में इस असल कहानी के अगले पड़ाव भी दिखाए जाते हैं। 2005 में ये फिल्म बन गई थी, लेकिन 5 साल धक्के खाती रही। सेंसर बोर्ड ने इसे पास करने से मना कर दिया। निर्माताओं से कहा गया कि पहले सोनिया गांधी से अनुमति लें। इस पर वे लोग बॉम्बे हाई कोर्ट गए। 2 साल बाद कोर्ट ने इसे रिलीज करने की अनुमति दे दी। फिल्म में कोई भी स्टार या जाना पहचाना एक्टर नहीं था। अंत में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। 2008 में आई थी फिराक, जिसे नंदिता दास ने डायरेक्ट किया था। उनकी डेब्यू फिल्म थी ये। कहानी 2002 के गुजरात दंगों के एक महीने बाद की है, कि अच्छे बुरे हर तरह के लोग और उनकी लाइफ में क्या क्या फर्क पड़ा। नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रघुवीर यादव, शाहाना गोस्वामी, दीप्ति नवल, परेश रावल और दिलीप जोशी ने इसमें प्रमुख रोल किए थे। गुजरात में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। कारण ये बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स सिनेमा घर के मालिकों से ज्यादा पैसे मांग रहे थे, जबकि निर्माताओं के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। ये बैन इन कारणों से नहीं हुआ था। 2006 में आमिर खान की फिल्म आई फना। इसका कंटेंट हालांकि पॉलिटिकल नहीं था, इसमें उन्होंने दिल्ली के टूरिस्ट गाइड का रोल किया था, जिसे एक कश्मीरी लड़की से प्यार हो जाता है जो देख नहीं सकती। बाद में बम धमाका होता है जिसमें रोहन यानी कि आमिर खान के मरने की खबर आती है। असल में वो जिंदा होता है। उसे एक आतंकी मिशन पर भेजते हैं। कुल मिलाकर इस गंभीर मसले का बॉलीवुड करण था। डायरेक्टर थे कुणाल कोहली। दिक्कत ये हुई कि प्रमोशन के दौरान आमिर गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रदर्शनकारियों से मिले और उनके समर्थन की बात बोली।
उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री जो उस वक्त नरेंद्र मोदी होते थे उनसे जवाब मांगा। उसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि वे माफ़ी मांगे। आमिर ने कहा कि वो वही बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसके बाद गुजरात में इस फिल्म को बैन कर दिया गया। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है अमू, जो 2005 में आई थी। मार्गरेटा विद द स्ट्रॉ जैसी फिल्म की डायरेक्टर सोनाली बोस की ये पहली फीचर फिल्म थी। ये अमेरिका से लौटी लड़की काजू की कहानी थी, जिसका रोल कोंकणा सेन शर्मा ने किया था। वो मुंबई आती है और अपने ऐसे अतीत के बारे में उसे पता चलता है जो उसकी जिंदगी की बुनियाद हिला देता है। इसी में एक पूरा संदर्भ 1984 के सिख विरोधी दंगों का है, जिससे काजू और उसके दोस्त कबीर का कोई संबंध है। सेंसर बोर्ड की ज्यादती के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका, क्योंकि सेंसर ने कहा कि इसमें बड़े बड़े 6 कट लगाने होंगे, जिससे फिल्म का पूरा असर ही खत्म हो जाता। इसीलिए सोनाली ने इस फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं उतारा और सीधे डीवीडी पर रिलीज किया। लगता है आज के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको सिनेमा के लिए, पर अगर आप और भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो द लल्लन टॉप हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।